माका जे मा कामाख्या जे मा मुंड मालनी। मैं मा कामाख्या पुत्र युवराज डोंगरे अमरावती से बिलोंग करता हूँ। किसी को प्रॉब्लम लगी, भूत पिशाच, पशुगर मारा उच्चारण करवाना तो मुझे संपर्क कर सकते। मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आदेश, जय श्री माता। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपको मैं माँ कामाख्या का पान वशीकरण मंत्र देने वाला हूँ। जो खिलाया हुआ पान मिलता है ना, पान सेंटर में मिलता है, बहुत ठिकान बहुत जगह से आपको पान मिलता है। खाने का पान जो गुरुजुक लोग खाते है ना, जो मार्केट में पान मिलता है खाने का, वो पान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो पान खिलाने वाला, वहां पे आपको क्या करना है, पान लाना है घर उधर से। जब बना हुआ पान रहता है वो पान पर क्या करना है, आपको मंत्र मारना है सिर्फ 11 बार मंत्र मार दो, खिला दो, हो गया 2 मिनट में वश में। गारंटी के साथ बोलता हूँ, यूज किया मंत्र है और गुरुमुखी मंत्र है। किसी मार्केट में या किसी किताब में या किसी यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। दो वीडियो स्किप करेगा तो उसको मंत्र भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरा मंत्र, मैं बताने वाला नहीं हूँ मंत्र, नहीं मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे मैं बताने वाला हूँ मंत्र, नहीं नहीं नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ मंत्र, ठीक है। मैं स्क्रीन पर दूंगा, स्क्रीन पर जो वीडियो स्किप करेगा उसको मंत्र नहीं मिलेगा, और जो वीडियो स्किप नहीं करेगा उसको मंत्र तो मिलेगा मिलेगा, उसको ज्ञान भी मिलेगा। समझ में आया आपको? क्योंकि जो भी मेरा मंत्र है वो यूज किया रहता है, वो खुद मैं यूज करता हूँ, मेरे जो शिष्य रहते वो भी यूज करते हैं मंत्र को। तो वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, ज्यादा टाइम पास मत नहीं करता मैं, ठीक है। क्या करना है आपको शनिवार या अमावस या पूर्णिमा के दिन, क्या करना है आपको 7 दिन आपको ये मंत्र का जाप करना है। आपको एक एक माला या दो दो माला कर सकते, जितनी ज्यादा माला करोगे उतना मंत्र पावरफुल बनेगा। जितनी माला करोगे तो उतना मंत्र पावरफुल बनेगा, ज्यादा माला नहीं करोगे तो पावरफुल नहीं होगा, रिजल्ट कम मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, स्फटिक की माला या मूंगी की माला या रुद्राक्ष की माला आपको चाहिए आपके पास। स्फटिक की होगी तो उससे मंत्र का जाप करो, रुद्राक्ष की होगी तो उससे करो या मूंगी की माला से करो, तीन माला से करो। तीन माला होगी तो अच्छी है, नहीं होगी तो एक माला होगी कोई भी, स्फटिक रुद्राक्ष या मूंगा की उससे भी कर सकते हो, ठीक है। पर जो माला होगी वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, किसी को माला चाहिए तो प्राण प्रतिष्ठा करके मेरे से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको, चौकी लगानी है उत्तर की दिशा की ओर। क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर आपको चौकी लगानी है, वहां पे माँ कामाख्या की तस्वीर रखनी है, आपको घी का दिया लगाना है, पुष्प फूल रखने है। वो माँ को आपको ये कर्म बोलना है कि मेरी माँ कामाख्या, मैं पान वशीकर मंत्र आपका जो मंत्र है बाबा गोरखनाथ का, जो मंत्र मैं सिद्ध करने वाला हूँ, मेरा मंत्र जल्दी से जल्दी सिद्ध कर दो। मंत्र का जाप चालू कर दो, शावर मंत्र है, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा शावर मंत्र है, वीडियो में मिल जाएगा आपको, मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो करने के बाद हो गए 10 दिन, 10 दिन के बाद आप यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए आपको मैंने बोला पान, खाने का पान, कोई भी पान ठेले में जाओ वहां भी मिल जाएगा आपको पान, वो पान लाओ, मंत्र बोल दो 11 बार, फूंक मार दो, खिला दो, 2 मिनट में वश में हो जाएगा। कितने में, 2 मिनट में वश में हो जाएगा वो आदमी, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 मिनट का आपका वश में हो जाएगा। अच्छे के लिए दिया मंत्र, अच्छे के लिए करो, किसी का काम उठाओ, किसी की बीवी उठी हो, किसी का भाई उठाओ, किसी का प्रेमी उठाओ, उसको मनाओ, कोई भाग गया तो उसको बुलाने के लिए मैं मंत्र नहीं है। आप बोलोगे ये मंत्र बुलाने के लिए, नहीं 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 नहीं, ये बुलाने के लिए मंत्र है, उसे खिलाना पड़ता है। खिलाने के लिए तो आदमी जो आपके पास रहना चाहिए या दूर भी रख सकता है, आप किसी के माध्यम से खिला सकते हो आप, ठीक है। पान मंत्र है, जो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना मत भूलना। आदेश, जय श्री माँ कामाख्या।